क्योंकि आईएमएफ की शरायत बहुत कड़ी है, तो पाकिस्तान को अब निकालना कैसे है इसके अंदर से? आप इलेक्शन कहते हैं, बार बार इलेक्शन कहते हैं, अब मुखालिफिन आपके इलेक्शन की तरफ आना नहीं चाहते, और धांधली का एक बहुत बड़ा मंसूबा अलग से तैयार है कि अगर मजबूरन जाना भी पड़ा तो इतनी धांधली होगी कि तबाही फिर जाएगी। शेख साहब, ये फिर क्या लोग तो इसी तरह के रहेंगे, सिचुएशन भी यही रहेगी, इकॉनमी भी जामद रहेगी, फिर 5 साल के लिए भी अगर किसी हुकूमत को जबरदस्ती बिठाया गया तो ये मुल्क तो आगे नहीं बढ़ेगा? ये 33 जिमनी इलेक्शनों को देख लें, किसी का बाप धांधली नहीं कर सकेगा, यही इलेक्शन कमीशन से करवा लें। सर जी, 5-7 हजार की वोटों की धांधली से इमरान खान नहीं हारता। आज उसने फैसला किया कि सारी सीटों पे वो खुद लड़ने जा रहा है, वो नहीं हारता, और लोग इसके बावजूद वोट देंगे कि उसने असेंबली में नहीं जाना। आप ये देखें, पाकिस्तान के लोगों का बदला हुआ शऊर देखें। हम वोट लेने जाते थे, कहते थे छोटी जी गली ते पवा दे ना, एडे वड्डे लीडर हो, पुली 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 ते पवा दे, स्कूल की छत डिगण लिए पवा दे, वोट सारा महला देंगे। सब लोगों को पता है कि उसने असेंबली में नहीं जाना, सब लोग उसे वोट देने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तब्दीली इमरान रियाज आपने कभी देखी? जानते हुए कि उस शख्स ने असेंबली में नहीं जाना, मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उसकी रूज पे है, जानते हुए कि उसने असेंबली में नहीं बैठना, लेकिन लोग, मैं अभी यूके से आया, लोग टैक्सियों से उतर के मेरे साथ फोटो खिंचाते थे। मैंने कहा चलान हो जाएगा 3-4 दिन में रहा, लातदाद लोग सड़े रहा उतार के कहते हैं नहीं जी सेल्फी खींचनी है, और इमरान खान को कहो कि 36 पाउंड फीस नहीं करो इसकी, पाउंड हम भी बड़े हालात खराब हैं, 10 पाउंड फीस करो तरीके इंसाफ की मेंबरशिप की। तो अभी ये 25-30 जो मेंबर हैं, 30 हजार हैं, ये 70-80 हजार हो जाएंगे। सो लोग तो, आप कहते हैं इलेक्शन सोल्यूशन क्या, दो ही सोल्यूशन है, या इलेक्शन है या फिर सिलेक्शन है और झाड़ू है, करना है जो कर लो दोनों में से। इलेक्शन और सिलेक्शन में से एक फैसला, 100 दिनों के अंदर करना। आप देखें, आप में फर्क पता है क्या?